नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात देवभूमि की करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे पहाड़ों की खबरों पर फटाफट अंदाज में। हल्द्वानी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समित टिक्कू ने नामांकन पत्र भरा। समित टिक्कू का कहना है कि हल्द्वानी में वो विकास कार्यों को एक नया आयाम देंगे, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के विकास कार्यों के झूठे आश्वासन को जनता के सामने लाएंगे। गदरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जनरल सिंह काली ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हर बूथ में अपना परचम लहराने पर चर्चा की गई। वहीं जनरल सिंह काली ने कहा कि उनका किसी से भी मुकाबला नहीं है और हर हाल में गदरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। नई टिहरी में विधानसभा सीट से उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और प्रत्याशी दिनेश धने ने नामांकन पत्र भरा है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और विकास करने वाला प्रतिनिधि ही जनता की मांग है। लालकुआ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन सिंह मेहता ने अपना नामांकन किया, जिसके बाद कुंदन मेहता ने समर्थकों से उनको फूल माला पहनाकर स्वागत किया और जश्न मनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। निरुपम ने सीएम धामी को खनन प्रेमी बताते हुए उत्तराखंड में नशे में बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मसूरी में खराब मौसम के बाद भी बीजेपी का चुनावी प्रचार प्रसार जारी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश जोशी के पक्ष में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया है, साथ ही पार्टी की टीमों ने घर घर भाजपा के नारे भी लगाए हैं। तो वहीं 14 फरवरी को प्रत्याशी गणेश जोशी को वोट देने की अपील की गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का अजीबोगरीब बयान आया सामने। उनका कहना है कि उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं कि अगर किसी परिवार से व्यक्ति सेना में भर्ती नहीं होता तो उस पर देवता का दोष लग जाता है और कहा जाता है कि आपने देश की रक्षा के लिए अपने बेटे को सेना में नहीं भेजा। मंगलौर विधानसभा में 2017 में बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके ऋषिपाल बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि इस बार पार्टी ने विधानसभा में कमजोर प्रत्याशी उतारा है। तो वहीं हम लगातार 5 साल से विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं लेकिन पार्टी ने हमें दरकिनार कर दिया। मसूरी के आसपास के क्षेत्र धनौल्टी सुवाखोली समेत अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और मौसम का लुत्फ उठाने पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे धनौल्टी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। ऋषिकेश के सुमन विहार में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। भारी बारिश के बीच बिजली का खंभा अचानक जमीन से उखड़कर हवा में झूल गया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि खंभे की हालत को देखते हुए 1 साल पहले नगर निगम की महापौर से शिकायत भी की गई थी, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां कर्नल अजय कोठियाल ने डिजिटल नव परिवर्तन संवाद चालक परिचालक भाइयों के साथ डिजिटल नव परिवर्तन संवाद किया। कर्नल कोठियाल ने चालक परिचालक भाइयों के लिए कई वादे किए हैं। उत्तराखंड के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं चालक परिचालक। कोठियाल ने कहा कि आपकी सरकार बनने पर हर साल मनाया जाएगा चालक दिवस। आपकी सरकार दिल्ली की तर्ज पर पे फेसलेस आरटीओ बनाएगी। आप चालकों को देगी मुफ्त इंश्योरेंस और मेडिकल सुविधाएं। सड़क सुरक्षा और सुरक्षित सफर को मुख्य एजेंडे में रखेगी आम आदमी पार्टी। चालकों के एक्सीडेंट पर का पूरा खर्च वहन करेगी आम आदमी पार्टी। तो कर्नल अजय कोठियाल ने चालक परिचालकों के लिए ये बड़ी बातें कही और साथ ही कहा कि पूरी जिम्मेदारी आपकी आम आदमी पार्टी उठाएगी और ज्यादा से ज्यादा रियायत भी आम आदमी पार्टी देगी। ये वादा करता हूं कि आम आदमी पार्टी एक एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। जब हमारे किसी चालक भाई का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका इलाज, उसका सारा खर्चा हमारी सरकार देगी। चालकों के सम्मान में हर साल चालक दिवस मनाया जाएगा। चालकों के इश्यूज का समाधान निकले उसके लिए हम आपके साथ में रेगुलर मीटिंग करते रहेंगे और चालकों के लिए एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आप लोगों के साथ होने वाली हर प्रकार की सरकारी ज्यादती खत्म होगी। आपको
आरटीओ के होने वाले भ्रष्टाचार से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। दिल्ली के तर्ज पर उत्तराखंड में भी फेसलेस आरटीओ बनाएंगे, आपको आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर्नल अजय कोठियाल ने प्रवासियों से वर्चुअली संवाद किया। कोठियाल ने उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर प्रवासियों से बात की है। उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर प्रवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस वाले टिकट के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, हम लगातार जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान में लगे हुए हैं। कर्नल कोठियाल ने कहा है कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्प लेने को हम तैयार हैं और आप भी लीजिए। सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए अलग सेल बनाएगी। वर्चुअली संवाद के दौरान प्रवासियों ने कोठियाल के सामने कई सवाल रखे। प्रवासियों ने उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए संकल्प भी लिया। ज्यादा होता है क्योंकि अभी तक तो बाकी पॉलिटिक्स बचे हैं, पर मेरे को लगता है 20 दिन जो है ना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो तो उन्होंने जैसे ही पहले तो किसको टिकट मिलेगा उसी पे लड़ाई चली। उत्तराखंड छोड़ करके सारे दिल्ली में पड़े हुए हैं, अब टिकट मिलने शुरू हो गए तो उनकी ना आपस में अब लड़ाई शुरू हो गई कि कैसे मतलब मैं स्विच ओवर करके दूसरी पार्टी में चले जाऊं। हम लोग बड़े कंसिस्टेंटली चल रहे हैं और आजकल तो मैं इनफैक्ट ये गंगोत्री विधानसभा हिल्स में ही घूम रहा हूँ, घूम तो सब जगह गया हूँ, लेकिन रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है और हमें लगता है 20 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग पक्का उस पोजिशन में होंगे कि सरकार तो हमारी बन गई, काम हमने करने। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने रामनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुहार लगाई है। दरअसल हरीश रावत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पार्टी के रामनगर के किसी नेता कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो नेता कार्यकर्ता भी बड़ा हटीला और रणजीत रावत का भक्त निकला। उसने सीधे हरीश रावत को रामनगर से चुनाव लड़ने को ना कह दिया। हालांकि न्यूज वन इंडिया ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बावजूद इसके अब सवाल यह है कि अगर हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से, क्योंकि अभी तक 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है और इंतजार है कि हरीश रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हरीश रावत जी बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए। हेलो हेलो सर, प्रणाम। हाँ नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया है जी। पार्टी चुनाव लड़ने की बात कर रही है सर, तो मुझसे पूछा इन्होंने, मैंने कहा भाई मैं रामनगर से लड़ सकता हूँ, क्या करूँ सर? यहाँ से तो रणजीत रावत जी हैं। हाँ है, लेकिन मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा इस बार मुझको लड़ाओ। नहीं नहीं सर, इस बार तो रणजीत रावत जी हैं बिल्कुल एक समान। आप आइए, रंजीत रावत जी के लिए आइए सर, आपका स्वागत है। जब पार्टी उनसे कहेगी तो उनके लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, हम तो पार्टी के लोग हैं। जी जी, पार्टी 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 के लिए आएंगे। जी जी जी, मगर मगर या विचार करिए क्या है। नहीं सर, विचार यही है कि रंजीत रावत जी हैं बस इस बार, क्योंकि इन्होंने पार्टी हम ही से कहती है लड़ो करके। जी जी जी, पार्टी का डिसीजन होता है तो उसको तो उनको मानना चाहिए ना। जी वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन इस बार जो है रंजीत रावत ने इतनी मेहनत कर रखी है बहुत ज्यादा। वो ठीक है, बहुत बहुत बार बहुत सारे मेहनत वो पार्टी सम्मान करेगी, ऐसा नहीं है पार्टी उनकी मेहनत का सम्मान नहीं करेगी। फिर भी पार्टी के हित में यदि मान लिया ये तय करते हैं कि भाई फला लड़ेगा ही तो लड़ना ही पड़ेगा तो क्या करेंगे सर। हम तो रंजीत रावत जी के ही साथ हैं, जो उनका फैसला होगा, जो आपके फैसला होगा। ठीक है। हालांकि न्यूज वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने 24 जनवरी को चुनावी कैंपेन अभियान और गीत उत्तराखंड स्वाभिमान चार धाम चार काम लॉन्च किया है। चुनावी कैंपेन अभियान और गीत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने 4 लाख युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेगी, हर गाँव हर द्वार, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 देने और गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार नहीं करने की बात कही।
चार धाम चार काम, उत्तराखंड में चार धाम के महत्व हम सभी जानते हैं और जब हम लोग दूसरे प्रदेश से आते हैं तो चारों धाम के बिना संतुष्टि नहीं मिलती। चार धाम और चार काम महत्वपूर्ण इसलिए है, चार काम प्रमुखता से जो बताया गया, आज पूरे देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। भारत सरकार एनएसएसओ के डाटा तक जारी नहीं कर रही है। चार उत्तराखंड कांग्रेस के चुनावी कैंपेन और गीत चार धाम चार काम के लॉन्च के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डांस करते नजर आए। उनके साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी चार धाम चार काम अभियान के शुभारंभ के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ डांस किया। देहरादून में कांग्रेस द्वारा जारी किए गए चुनावी स्लोगन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस को न चार धाम से कोई मतलब है और न काम से कोई लेना देना है। कांग्रेस को सिर्फ दाम चाहिए। जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तब उन्होंने उत्तराखंड को लूटने का काम किया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही जोशी ने मोदी संग उत्तराखंड भी कहा। उनका ना तो काम से कोई लेना देना कांग्रेस का, ना धाम से लेना देना। कांग्रेस जो भी काम कर रही है वो दाम के लिए कर रही है। उनको दाम चाहिए, उत्तराखंड को बेचना चाहते हैं, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं। और उत्तराखंड के अंदर जब उनकी सरकार थी, आज वो धाम की बात कर रहे हैं, तब जुम्मे की नमाज की बात कर रहे थे, तब कहाँ धाम चले गए थे। आज वो काम की बात कर रहे हैं, तब वो करप्शन कर रहे थे, तब एनएच घोटाला आ रहा था, तब 7-7 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे थे। तो उस समय भी तो काम करना चाहिए था। तो ये जो धाम की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की कितनी बड़ी किरकिरी हुई, जिस स्वाभिमान की आज बात कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये बात तुम आपको हरिद्वार से ज्वालापुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर ने राजनीतिक छवि खराब करने वालों के खिलाफ एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत को एक लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होने के चलते कुछ अराजक तत्वों की तरफ से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को भी बिगाड़ा जा रहा है। इसमें जो वर्तमान प्रत्याशी और जो विधायक जी हैं, इन्होंने एक यहाँ पर तहरीर दी है जिसमें इन्होंने कतिपय लोगों पर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है और उनकी मानहानि का आरोप लगाया है। तो इस प्रकरण में हम जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैंने भारतीय जनता पार्टी का जब से मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ, कुछ असामाजिक तत्व तो मेरे को मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को खराब करना चाहते हैं। माननीय DIG महोदय को मैंने अपना पत्र दिया है कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए थे उसको पुलिस ने FIR लगा के भेज दिया था। उसके बावजूद वो मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र था। उसके बावजूद भी महिला ने भी गुरुवार होते हुए रविदासाचार्य के एस एस से मेरे से माफ़ी मांगी मीडिया के माध्यम से। और मेरा ये कहना है कि जो लोग इस तरह के लोग मेरे सामाजिक छवि को ख़राब कर रहे हैं, राजनीतिक छवि को ख़राब करना चाहते हैं। हरिद्वार में सोमवार को विभिन्न पार्टियों के नेता
नामांकन कराने पहुंचे। मुख्य रूप से रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने नामांकन कराया है। बसपा के उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद ने भी अपना पर्चा भरा है। रानीपुर सीट से भाजपा विधायक आदेश चौहान भी अपना नामांकन करने हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे। इस दौरान नामांकन कराने पहुंचे सभी उम्मीदवारों ने अपने क्षेत्र को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई। साथ ही सभी उम्मीदवारों ने अपनी चुनौतियों से भी अवगत कराया है। नामांकन के बाद सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखे, तो वहीं नामांकन के दौरान पुलिस ने नियमों का सख्ती से पालन कराया है। बस आज मैंने सुबह अपने ग्राम देवता माँ काली और माँ गंगा का पूजन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद में आज मैं नामांकन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जैसा माहौल दिखाई दे रहा है पूरे क्षेत्र का, लोग ये मान चुके हैं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, तो लोगों का अपार जन समर्थन प्यार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो आज श्री गणेश चुनाव अभियान का एक तरह से होगा नॉमिनेशन के बाद। 31 के लिए हम नामांकन यहाँ पर करने आए हैं और यहाँ पर मेरे साथ दोनों मंडलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और हम यहाँ नामांकन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि दोबारा उन्होंने हम पर भरोसा जताया और दोबारा मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। और निश्चित रूप से जो पार्टी ने भरोसा जताया उसको पूरा करेंगे और भारी मतों से रुड़की की सीट जो है विजयी बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी झोली में डालेंगे। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज है। अब ये सर्व समाज की पार्टी है और मुझे लगता है कि हरिद्वार में इस बार पिछला इतिहास दोहराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। क्या लगता है किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं वहाँ पर? वहाँ सबसे बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार के बैरियर पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है और नामांकन कराने जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो कोविड नियमों का और जो चुनाव आचार संहिता के नियम है उनका अक्षर से पालन कर रहे हैं। कैंडिडेट के साथ दो प्रस्तावक अंदर अलाउ किए जा रहे हैं और वही केवल जा रहे हैं, इसके अलावा बाहर भी जो लोग हैं उनको कोविड नियमों के अनुपालन के लिए लगातार हिदायत भी दी जा रही है और उनके द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में कुनबे की कला से कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। दोनों दलों ने पहली सूची में कद्दावर नेताओं का टिकट तय कर चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन टिकट को लेकर कुनबे की कला से दोनों ही प्रमुख दल उलझे हुए हैं। तो वहीं कई सीटों पर टिकट को लेकर दोनों दलों में असंतुष्टों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए बीजेपी कांग्रेस ने टिकट की पहली सूची जारी करके कई कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के कुनबे में पेच फंसा हुआ है। बीजेपी 11 सीटों और कांग्रेस 17 सीटों पर प्रत्याशी अभी तक तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस में दिग्गज नेता पूर्व सीएम हरीश रावत, हरक सिंह रावत, किशोर उपाध्याय समेत कई नेताओं के टिकट तय नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस में जिन 17 सीटों पर पेच फंसा हुआ है इनमें नरेंद्र नगर, टिहरी, देहरादून कैंट, डोईवाला, ऋषिकेश, रामनगर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार ग्रामीण, चौबट्टा खाल, सल्ट, लालकुआ, काला ढूंगी और खानपुर की सीट है। बीजेपी में जिन 11 सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं उनमें रानीखेत, डोईवाला, कोटद्वार, झबरेड़ा, रुद्रपुर, लालकुआ, केदारनाथ, पिरान, कलियर, हल्द्वानी, टिहरी, जागेश्वर की सीट शामिल है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी बची सीटों पर चर्चा हो चुकी है, जल्द ही दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है। सेकंड लिस्ट जल्दी आ जाएगी और चूंकि जो भी चर्चा होनी थी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकाल लें। ये बड़ा हास्यास्पद है, जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है कि पहली सूची में उनका नाम ही नहीं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि जल्द सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे।
देखिए 17 सीटों पे जो मंथन है वो जारी है, शाम के 5 बजे सीसी की बैठक होनी है और ये वो 17 सीटें हैं जहां पर 2 से 3 से ज़्यादा दावेदार हैं और आला कमान का स्पष्ट निर्देश है कि जितने जो प्रबल दावेदार हैं, जो सर्वे में भी आए हैं, जो हर चीज़ में आगे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जिन्हें टिकट देना है और जिन्हें टिकट नहीं देना है, उनसे सामंजस्य स्थापित करें, उन्हें विश्वास मिले, उनसे बात करें। उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी में टिकट को लेकर फिलहाल कोई असंतोष नजर नहीं आ रहा है। पार्टी ने सबसे पहले कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के साथ ही प्रत्याशियों की सूची जारी करी है। इसमें अब तक 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जबकि 19 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सूत्रों का कहना है कि रणनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। 23 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की जो अंतर कलह है, प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे में जिस तरीके से घमासान छिड़ी हुई है और पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पूरा नहीं कर पा रही, साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस और बीजेपी अंदर से कितनी बुरी तरह से टूटी हुई हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की जो लहर है और हमने जिस तरीके से बहुत समय पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समय मैदान में है। जल्दी से अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी लिस्ट ही ना निकले और आप काफी सारी सीटों पर चुनाव ही ना लड़ पाए। उत्तराखंड में यूं तो नामांकन का दौर विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हो चुका है, पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के प्रत्याशियों की अभी एक एक सूची लंबित है। भारतीय जनता पार्टी जहां बुधवार तक अपनी अंतिम सूची लाएगी तो कांग्रेस की आज देर शाम बैठक शुरू हो रही है। बहरहाल दोनों ही दल बहुत सचेत हैं और उन्हें पता है कि टिकट इस प्रकार से वितरित किए जाएं ताकि पार्टी में आपसी कलह से भी बचा जा सके और जीत सुनिश्चित की जा सके। सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। खानपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है क्योंकि इस बार बीजेपी ने 4 बार विधायक रहे प्रवीण सिंह का टिकट काटकर उनकी पत्नी देवयानी सिंह को टिकट दिया है। ये वही कांग्रेस अपने प्रत्याशी की भी जल्द घोषणा होने वाली है। बता दें कि चुनाव से पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बना ली है और जो जरूरी कार्य थे वो विधायक बनने से पहले उन्होंने पूरा करा दिए हैं। इसी को लेकर उमेश शर्मा से हमारे संवाददाता सुनील पटेल ने भी खास बातचीत की। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और नामांकन की भी लगभग आखिरी डेट आने वाली है, उसी को देखते हैं 14 फरवरी को जो है मतदान होना है, जिसमें देखा जाए तो खानपुर विधानसभा एक जो है शॉर्ट सीट बन गई है क्योंकि देखा जाए तो यहां पर 4 बार से लगातार प्रणव सिंह विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी देवयानी सिंह को टिकट दिया है, जिसको लेकर के जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर उनका बहिष्कार करने की बात कही है। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और वो इस बार विधानसभा चुनाव खानपुर में आए हुए हैं और लगातार लोगों के दिलों में जगह उन्होंने बना ली है, लेकिन देखना होगा कि जो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले जानना ही चाहूँगा जिस तरह से आपकी तैयारियाँ हैं और देखा जाए तो चुनौती यहाँ पर अब देखी जा रही है क्योंकि जो परिवार एक ही है प्रणव सिंह का, उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव इस बार? विधानसभा चुनाव हो या जिला पंचायती का हो या प्रधानी का, जनता के हाथ में होता है। जनता को जो अच्छा लगता है जनता उसको चुनती है और सभी प्रत्याशियों के लिए, नेताओं के लिए ये एक चुनौती होती है कि उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना है। हमने पिछले 2 माह में वो ऐतिहासिक काम किए हैं जो 20 सालों में सरकारें नहीं कर पाई, नेता नहीं कर पाए। हमने जनता से वोटों की अपील की सिर्फ ये कह कि आप हमारे 2 महीने के काम देखिए और 20 साल के कामों को कंपेयर करिए, अगर आपको लगता है कि हम सक्षम हैं, हम आपकी सेवा कर पाएंगे, हम आपके क्षेत्र में काम कर पाएंगे, तो हमारे 2 महीने के कामों को देखते हुए आगे के लिए मौका दीजिए। एक व्यक्ति को 4 बार क्षेत्र की जनता ने मौका दिया और वो आज कहीं ना कहीं आहत हैं और महसूस करते हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि एक बार बदल कर देखने में कुछ जाता नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। ये हमारे साथ शर्मा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह इस बार जो खानपुर की जनता है वो किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उमेश शर्मा जी का जिस तरह साथ मिल रहा है क्षेत्र की जनता का, वो इस बार कैसे जीत निश्चित कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मैं न्यूज ऑन इंडिया 2022। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।